नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला। कहते हैं राजनीति में कहा कुछ और जाता है और मतलब कुछ और निकलता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के कहने पर अपने बागी चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए रहम दिल तो बन गए। विधानसभा चुनाव में उनको समर्थन देने की बात भी कही थी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने चाचा को और नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल है कि अब चाचा शिवपाल का अगला कदम क्या होगा। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को कभी उनकी मुंह बोली बुआ रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भले ही उन्हें राजनीति का बबुआ बता दिया हो, बल्कि धक्के खा खा कर वो जड़े हो चुके हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव की लड़ाई से परिवार की बदनामी और पार्टी को नुकसान को लेकर मुलायम सिंह यादव जब थक चुके तो उन्होंने अपने बेटे अखिलेश पर भाई शिवपाल से समझौते के लिए दबाव बनाया। अखिलेश ने भी ऐसा दांव खेला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रसपा बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव के लिए दो टूक फैसला सुना दिया कि पार्टी अपने चाचा का सम्मान करती है। इसी सम्मान में पार्टी ने फैसला किया है कि जसवंत नगर सीट से चाचा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। नेताजी तो खुश हो लिए कि चलो बेटे ने मेरा कहा मान लिया, लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया कि बेटे ने चाचा के खिलाफ शह और मात वाली चाल चल दी है। अगर पार्टी शिवपाल के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी तो शिवपाल के उन समर्थकों का क्या होगा जो उनके लिए रैलियों में भीड़ लाते हैं और दरिया बिछाते हैं। जाहिर है कि शिवपाल पर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दबाव पड़ेगा, वो टिकट की मांग करेंगे। शिवपाल सपा से अपने समर्थकों को टिकट देने से रहे, मजबूरी में ही सही उन्हें अपने लोगों को दूसरी सीटों से उतारना पड़ेगा जहां उनकी टक्कर सपा से होनी तय है। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश अपनी बात से पलट सकते हैं। वो शिवपाल के खिलाफ उम्मीदवार ये कहते हुए उतार सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि चुनाव में अपने चाचा का समर्थन करेंगे, लेकिन चाचा ही पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ उतर आए हैं तो उनके सामने कोई चारा नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।